शुरुआत करेंगे, सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मेरे बड़े भाई और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अजेश यादव जी, शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के निदेशक, यहां पर इलाके से आई सारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार नए स्कूल के लिए जो आपके गांव में बना है। बताइए स्कूल अच्छा है कि नहीं, शानदार है कि नहीं? आपने पहले ऐसे सरकारी स्कूल देखा है क्या? बताइए इतना अच्छा प्राइवेट स्कूल भी देखा है क्या? बिल्कुल। आज जो लिबासपुर गांव में हम जिस स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये हमारा लिबासपुर का स्कूल दिल्ली के नहीं पूरे देश भर के प्राइवेट स्कूल कुछ पीछे छोड़ देगा, इतना शानदार स्कूल आज है जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का स्कूल जो दिल्ली में बन रहा है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि स्कूल ऐसे नहीं होते थे। अगर आप 10 साल पहले का समय याद करिए तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था उनको देख के रोना आता था। आप स्कूल के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, बेंच नहीं होते थे बच्चों के बैठने के लिए, पीने का पानी नहीं होता था बच्चों के पीने के लिए, ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था, दिल पे पत्थर रख के मजबूरी में भेजता था, क्योंकि उसके पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते थे। एक आम परिवार, एक गरीब परिवार अपना पेट काट काट के कोशिश करता था कि किसी तरह से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूं तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? ऐसा ही होता था ना, हम अपना पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट, क्योंकि हमें पता था कि सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल है। हमें पता था कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल जाएगा तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? चमत्कार हुआ कि दिल्ली के लोगों ने भारी बहुमत से वोट देकर किसको मुख्यमंत्री बनाया? किसको मुख्यमंत्री बनाया? और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई भी बच्चा अमीर घर से आता हो या गरीब घर से आता हो, चाहे उस बच्चे के माता पिता के पास महंगी स्कूल की फीस देने के पैसे हो या ना हो, गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी देश की और दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा का अधिकार है। यह सपना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखा। अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी और आज तक इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाती है। इस देश के इतिहास में ना इससे पहले ना उसके बाद कोई भी ऐसी सरकार रही है जिसने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा साल दर साल शिक्षा पे लगाया। ना सिर्फ स्कूलों में नई बिल्डिंगें बनाई गई, नए डेस्क दिए गए,
क्लास में स्मार्ट बोर्ड दिए गए, बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा दी गई, बल्कि पहली बार देश के इतिहास में सरकारी स्कूल के टीचरों को और प्रिंसिपलों को विदेश भेजा गया ट्रेनिंग के लिए कि वो आपके और हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे सके। आज जिस स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, विश्वास नहीं होता कि ये एक सरकारी स्कूल है। इतने सुंदर कमरे, इतने अच्छे डेस्क, इतनी शानदार लैब। अभी विधायक जी, मुख्यमंत्री जी और मैं ऊपर गए लाइब्रेरी देखने, हम स्कूल का दौरा कर रहे थे, और अगर आपको मौका मिले आप स्कूल की लाइब्रेरी देखिएगा। मैं आपको चैलेंज कर सकती हूं कि इतनी अच्छी लाइब्रेरी आपको भारत के किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, लंदन के स्कूलों में ऐसी लाइब्रेरी मिलती है जो लिबासपुर गांव के स्कूल में आज हमें मिल रही है। और ये इकलौता ऐसा स्कूल नहीं है, अब दिल्ली के कोने कोने में ऐसी शानदार स्कूल बिल्डिंग बन रही है। और ना सिर्फ बिल्डिंग, आज जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नतीजे आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने क्या बदलाव किया है। पिछले 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं, पिछले 5 साल से आ रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे IIT का एग्जाम क्लियर करके, नीट का एग्जाम क्लियर करके, ऐसे एग्जाम जिसको देने के लिए बड़े बड़े परिवारों से बच्चे लाखों रुपए की कोचिंग करते हैं, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे IIT और नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। इस साल ही 1000 से ज्यादा दिल्ली सरकारी स्कूलों के बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। 700 से ज्यादा बच्चों ने JEE का एग्जाम क्लियर किया है और अब देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेंगे। आज दिल्ली में रहने वाले हर बच्चे को एक सपना देखने का अवसर मिला है। एक सपना देखने का अवसर मिला है कि चाहे मैं गरीब परिवार से आता हूं, चाहे मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, लेकिन मैं भी देश की सबसे बड़ी नौकरी कर सकता हूं। मैं सिर्फ कार का मैकेनिक नहीं बनूंगा, मैं मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियर बनूंगा। मैं सिर्फ दुकान में नौकरी नहीं करूंगा, मैं बड़ी कंपनी का CEO बनूंगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे ये सपना देख रहे हैं। और मैं एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ये धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो उन्होंने सपना देखा और पिछले 8 साल से दिन रात जो उनकी मेहनत और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी की मेहनत रही है, आज उसकी वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 हो गए हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। और अब जो हमेशा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए हम सबका मार्ग, हमेशा हम सबको मार्ग दिखाते रहते हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं इन शब्दों के साथ कि अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो, अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो, और अगर पहुंचना है शिखर पर तो राह बनाना सीखो, राह का निर्माण सीखो। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध संबोधन। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं कि सबके चेहरे पे बहुत खुशी है, सब लोग बहुत खुश हैं, और आपकी खुशी देख के मेरा भी 1 किलो खून बढ़ गया। आप खुश हो तो मैं खुश हूं, और अगर आप दुखी हो तो मैं दुखी हूं।
आज इतना शानदार स्कूल आपके इलाके में बनके तैयार हुआ है। कौन कौन घूम के आया अंदर स्कूल में? कई जने गए नहीं अभी अंदर स्कूल देखने। मेरा निवेदन है 10-10, 15-15 लोग आज कल परसों में एक राउंड जरूर मार के आना स्कूल का। बहुत शानदार स्कूल बना है अंदर। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी, अंदर इतने शानदार क्लासरूम बने हैं, लेबोरेटरी बनी है, लाइब्रेरी बनी है, एयर कंडीशन्ड हॉल बना है। आप सोच भी नहीं सकते कि सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सरकारी स्कूल तो छोड़ो, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल दिल्ली के जो हैं, प्राइवेट स्कूल भी इस स्कूल के मुकाबले में कुछ नहीं है जैसा स्कूल आज आपके इलाके के अंदर बन के तैयार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होता था, टेंट में चला करते थे, ना कोई दीवारें, ना कोई छत, ना पंखे, टॉयलेट भी नहीं होते थे, पानी भी नहीं होता था। बच्चे आते थे, घंटा भर रुकते थे, फिर भाग जाते थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजता था मजबूरी में। अमीरों के बच्चे प्राइवेट में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे। आज दिल्ली के अंदर ये अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई थी वो हमने बंद कर दी। अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट जैसे हो गए, शानदार स्कूल हो गए, शानदार स्कूलों के अच्छे नतीजे आने लग गए। अब आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहो प्राइवेट में भेज दो, सरकारी में भेजना चाहो सरकारी में भेज दो। पढ़ाई दोनों में अब अच्छी हो गई है। मैं तो ये कहूंगा कम से कम दिल्ली के 80% प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे अब सरकारी स्कूल हो गए। प्राइवेट स्कूल में भेजने की अब जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूलों में भेजो, अच्छी पढ़ाई है और अच्छे नतीजे आते हैं, अच्छे स्कूल बन गए आपके। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के जो हमारे टीचर हैं उनको मैं सलाम करना चाहता हूं। टीचरों ने बड़ा अच्छा काम करा, सबसे बढ़िया काम हमारे टीचरों ने और प्रिंसिपल्स ने करा है। देखो हम तो 4-5 ही आदमी हैं, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम ये 60-62 विधायक और मंत्री मिलके इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते थे। दिल्ली के अंदर जो इतने सारे स्कूल अच्छे हो गए, ये मेरे 60,000 टीचरों ने मिलके स्कूल अच्छे करे हैं। कल तक इन टीचरों को गाली दिया करते थे, कहते थे टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं है, आलसी हैं, आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के टीचर स्वेटर बुनती रहती हैं। वही टीचर हैं जो पहले थे, हमने बदले नहीं टीचर, वही टीचर हैं, उन्हीं टीचरों ने काम शुरू कर दिया। क्या बदला? व्यवस्था बदल गई, अब ईमानदार सरकार आ गई। ऊपर से अगर ईमानदार सरकार आ जाए, मंत्री, मुख्यमंत्री ईमानदार, शिक्षा मंत्री ईमानदार, विधायक ईमानदार, तो सारी व्यवस्था बदल जाती है। दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था बदल गई। आज ये आपका स्कूल जो है ये केवल दिल्ली का बेस्ट स्कूल नहीं है, पूरे देश में मैं चैलेंज कर सकता हूं, ऐसा स्कूल आप मेरे को दिखा दो जैसा स्कूल आपके इलाके के अंदर। मेरे को बताया गया 2000 के करीब बच्चे पढ़ेंगे यहां पे। एक बगल में एडेड स्कूल भी है, चौधरी राम शरण यादव जी के प्रयासों से यहां पे स्कूल बना था और कई सारे चौधरी राम शरण यादव जी ने यहां पे समाज के लिए काफी अच्छा काम किया। कई सारे गांव के लोगों का मेरे पास प्रस्ताव आया है कि स्कूल का नाम उनके नाम पे रखा जाए, इसके बारे में सरकार जरूर विचार करेगी। अब आप लोगों ने अपना प्यार और मोहब्बत दिखाते हुए हमको नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। नगर निगम में
स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, वो भी ठीक करने चालू कर दिए। नगर निगम के टीचर भी अब ट्रेनिंग के लिए उनको आईएम अहमदाबाद भेज रहे हैं। टाइम लगेगा, जैसे इसको भी दिल्ली सरकार के स्कूलों को ठीक करने में भी 5-7 साल लग गए, नगर निगम के भी सारे स्कूल ठीक कर देंगे, 5-7 साल लगेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद देखना, नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक शानदार स्कूल होंगे पूरे दिल्ली के। अब एक चिंता रहती है मेरे को, बच्चे पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन डिग्री ले लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता है, फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब नौकरी नहीं मिले। आदमी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूमता रहता है, नौकरी नहीं है। उसके लिए अब मैं पूरी सरकार लगी हुई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम चला रहे हैं कि 12वीं के बाद जितने बच्चे कॉलेज जाना चाहें कॉलेज में जाएं, कॉलेज में उनको एडमिशन मिलना चाहिए। कोई बच्चे गरीबी की वजह से, मान लो 12वीं के बाद कोई बच्चा गरीबी की वजह से रह जाए, आगे शिक्षा नहीं करना चाहे, उसको रोजगार मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए ताकि अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। उसके लिए हम लगे हुए हैं सारे के सारे। मैं तो राजनीति में नया नया आया हूं, लेकिन 7-8 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने एक ही चीज सीखी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम सारे जने लग जाएं, अपने एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम कर सकते हैं। कई रोजगार का हमने करा भी है, कई बच्चों को रोजगार दिलवाए भी हैं, लेकिन अब और पूरी सरकार अब इसको 1 पॉइंट प्रोग्राम लेके चल रही है कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सारे प्रोग्राम बेकार है। सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का घर चलना, खर्चा चलना, बच्चे पालना, परिवार पालना, बच्चे बड़े हो उनको अच्छा रोजगार मिले, चाहे नौकरी मिले चाहे रोजगार हो। हमारा ज्यादा से ज्यादा इस पे एम्फेसिस है कि बच्चा बड़ा होकर नौकरी देने वाला बने, अपना खुद का रोजगार करे, 2-4 लोगों को और रोजगार दे, नौकरी लेने वाला ना बने। उस दिशा में हम काफी सारे काम कर रहे हैं। आप अपना इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, और जाने से पहले स्कूल जरूर देख के जाना। भारत माता की।